हाई गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है दोस्तों ये है मेरा आई फोन एक्स आर फोटीन प्रो नहीं है ये है मेरे पास आई फोन एक्स आर इसके ऊपर मैंने आई ओ एस सेवनटीन डॉट वन अपडेट को इंस्टॉल करके रखा हुआ था और मैं ऑलमोस्ट तीन साढ़े तीन दिनों से यूज़ कर रहा हूँ इस फ़ोन को इस अपडेट को सो तो दोस्तों इस अपडेट में आपको कौन से ख़ास नए फीचर्स देखने को मिलते हैं ये वीडियो इस टॉपिक पर होने वाली है आई ओ एस सेवनटीन डॉट वन हिडन फ़ीचर्स ऑन आई फोन एक्स आर सो so, सबसे पहले का इज़ आप चेकआउट कर सकते हो मैंने जो अपना आईफोन है वो अपडेट कर लिया है आई एस सेवनटीन के ऊपर और यहाँ पर आप आ, सारी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो जस्ट होल्ड होल्डर में अपना डार्क मोड डिसेबल करके लाइट मोड में वीडियो शूट करते हैं और यहाँ पर आपको हिडन फीचर्स की बात बताऊँ तो दोस्तों अगर हम चलते हैं अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर एक नया फीचर आया है जिसका नाम है एक्सटेंडेड वॉल वो पहले से भी था लेकिन अब हमें उसका अलग से सेक्शन देखने को मिला है कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करते ही लॉक स्क्रीन के ऊपर अगर मैं इसको जूम करके ड्रॉप करता हूँ नीचे को और इसकी लाइव आपको बंद करनी पड़ेगी तो अब आपको ये जो है ना एक तरह से एक्सटेंडेड वॉलपेपर का फीचर देखने को मिलता है आईफोन आपका ऊपर से ब्लरी ए आई जनरेटेड वॉल पेपर क्रिएट कर देगा और एक्सटेंडेड वाल पेपर का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आप इसको ऑफ करके बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हो जो भी है और आप इसको डन करो और लाइव भी सेट कर सकते हो एक और नया फीचर वॉलर्स के रिगार्डिंग ही है जो कि है फ़ोटो शफल का फ़ोटो शफल का फीचर पहले से भी हमारे फ़ोन में अवेलेबल है लेकिन फ़ोटो शफल में अब हमें एल्बम सेक्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो चूज़ फोटोज़ मैनुअली चूज़ एल्बम सेटअप लेटर सो अब आपको ये आप अपने एल्बम भी चूज़ कर सकते हो अपने मैनुअली कोई भी एल्बम सेट कर सकते हो उसमें दस बारह फ़ोटोज़ इंक्लूड करके आप एज़ एल्बम बनाकर अपने वाल सेट कर सकते हो कमाल फीचर है सेटिंग्स में चलते हैं तो हमें एयर ड्रॉप के रिगार्डिंग एक तगड़ा फ़ीचर देखने को मिला है जो कि है यूज सेलुलर डेटा अब हमारी जो फाइल्स हैं ना वो सेलुलर डेटा पर भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम दो फ़ोन से फाइल शेयर रहे हैं और अब इस फ़ोन को जाना है मतलब जब जिस बंदे का ये फ़ोन है उसको जाना है और फ़ोन साथ ही में लेके जाएगा ऑफकॉर्स फ़ोन तो छोड़ के जाएगा नहीं सो वो क्या होंगी कि एयर ड्रॉप जो है वो अब बंद नहीं होगा ट्रांसफ़र होना एयर ड्रॉप ओवर मोबाइल डेटा ओवर ट्रांसफ़र होता जाएगा और फाइल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलने वाली उसी के साथ साथ म्यूज़िक एप्पल म्यूज़िक जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए काफ़ी शानदार फीचर है अब आप अपने फेवरेट म्यूज़िक को फेवरेट कर सकते हो स्टार देकर और उसी के साथ साथ आपको गाइज फेवरेट सेक्शन अलग से देखने को मिल जाएगा अगर आपको फेवरेट वाला ही प्लेलिस्ट सुननी है तो आप उस सेक्शन में जाकर वो सॉन्ग सुन सकते हो काफ़ी सारे चेंजेस हैं जैसे कि दोस्तों कीबोर्ड में फिक्स हुआ है बग फिक्सेस हुए हैं लॉक स्क्रीन इश्यूज को फिक्स किया गया है ओवर जो सबसे पगड़ी, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी कॉलिंग स्क्रीन इशू एप्पल ने क्लेम किया है कि वो फ़िक्स की गई है जैसे वेटिंग में कॉलर का नेम कॉलर आईडी शो नहीं होती थी नंबर शो नहीं होता था उस चीज़ को फ़िक्स किया है और नोटिफिकेशन बग को फ़िक्स किया है और कीबोर्ड स्मूथ किया गया है जस्ट एप्पल ने ये क्लेम किया है बाय द वे ये चेक करके ही पता चलेगा कॉलिंग की स्क्रीन की जो इशू है वो तो मुझे लगता है कि फिक्स हो गया है क्योंकि मैंने चेक किया था मेरे को अभी तक एरर देखने को नहीं मिला बाय द वे अभी पता नहीं कि और क्या सीन होना है इस अपडेट में ये तो यूज़ करने के बाद में ही पता चलेगा सो आई होप गाइस आपको ये जो ये लेटेस्ट जो चेंजेस हैं ना जो हमारे काम के हैं वो मैंने आपको कवर कर दिए हैं अगर आपको बहुत सारी ब्रीकी वाले हिडन फीचर्स देखने हैं सो उसकी आपको अलग से वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है वो आप जाकर चेकआउट कर लो सो आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू सो मच और आपको अगर ये वीडियो देखनी है कि मैंने एक्सा टू फोर्टीन प्रो कैसे कन्वर्ट किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जाकर देख सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़ थैंक यू सो मच